हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल SETI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूले ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सिर्फ क्लास में जो प्रश्न होते हैं उसको बनाकर जाओगे तो आप अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव का दायरा बढ़ गया है तो क्वेश्चन दूसरे टाइप से आते हैं जो कि किताबों में नहीं रहते हैं। तो मैंने जो बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है, तो आप जानते हो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 5। अभाज्य गुणनखंड तोड़ना आपको बताया हूं, जाकर तोड़ सकते हैं। 20 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। चलिए हम इसका SCF निकालते हैं। तो आपको SCF के बताया गया है। अब 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 5, ठीक है ना, 2 के पावर 2 गुने 5। तो HCF मसा होता है बड़ा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मिलता है उसमें छोटा वाला को रखते हैं। 2 के पावर 1 है 2 के पावर 1 है 2 के पावर 2 है, यही तो मिला है, तो इसमें छोटे वाले पावर को कोई एक को उठा लेंगे, यानी HCF इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। जब LCM निकालते हैं तो सबसे बड़े घात वालों को लेते हैं, तो यहाँ पे बड़ी घात वाला क्या है, 2 के पावर 2 है, तो इसको उठा लिया LCM के लिए, 2 के पावर 2। आज जो नहीं मिलता है उसको भी उठाना होता है, तो ये तो मिल गया है, नहीं मिला है कौन, कौन नहीं मिला है, ये 5 नहीं मिला है, यही ना नहीं मिला है जी, तो ये 2 दुना 4, 4 पचे 20, यानी LCM इसका हो गया 20। अब कह रहा है कि लसा और मसा का अनुपात है, तो ये अनुपात कुछ नहीं होता है, बाटा होता है, लसा बाटा मसा, ठीक है, लसा बाटा मसा। तो लसा कितना आया है, 20 आया है, 20, और बाटा मसा कितना आया है, 2 आया है, तो 2 एकम 2 और 10 दूनी 20, यानी 10 अनुपात 1। ये बाटा को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, 10 आई अनुपात है आई 1, 10 अनुपात 1 की इसमें है कहीं, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों की 6, 8 और 22 का लसा और मसा तो वही काम करेंगे, तो 6 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 8 2 गुने 2 गुने 2 करोगे तो 2 के पावर 3, क्योंकि इसको पावर में लिखो आसान रहेगा। और 22 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 11, यही ना लिख सकते हैं 22 को। तो चलिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले HCF निकालते हैं, तो इसमें मिला है कौन, 2, 2 के पावर 3, 2 के, ये मिला हुआ है, तो इसमें सबसे कम वाला को, यानी HCF कितना हो गया, 2 हो गया इसका, है ना। अब चलिए हम LCM निकालते हैं इसका, तो LCM में सबसे बड़ी पावर वाले को लेते हैं, तो 2 के पावर 3 ले लिया हमने, और जो नहीं मिला है उसको भी लेते हैं, 3 को भी लेंगे और 11 को भी लेंगे, तो ये हो गया 8, आई हो गया 11 3 आई 33, 8 3 का 24 के 4 हाथ में लगल 2, 8 3 का 24 और 2 26, यानी 264 हो गया। कह रहे हैं लसा और मसा का अनुपात, इसका मतलब होता है कि इतना बाटा है इतना, तो लसा हमारा कितना आया है, 264, आ मसा कितना आया है जी, 2, इसको काटिए तो लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 आई 6 और 2 दूनी 4, यानी 132 अनुपात 1, इस बाटा को क्या कहते हैं, 132 लिख दिया, इस बाटा को अनुपात कहते हैं, फिर यहाँ 1 है, इसमें है कहीं 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। उसी तरह से अब आपसे पूछा है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है, तो कुछ नहीं दोस्तों, 5 बराबर क्या लिख लेंगे, 5, और 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5, और 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 5, है कि नहीं। तो देखो इसमें कौन मिला है जो तीनों में हो, तो ए है, यही ना मिला है जी, तो HCF तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब LCM के लिए तो पावर सब में 1 है, तो कोई 1 उठा लो, तो उठा लिया 5, और जो नहीं मिला है उसको भी, तो नहीं मिला है कौन, ये 3 नहीं मिला है, और क्या नहीं मिला है, के पावर
दो को भी उठा लिया, तो ये हो गया पांच या पंद्रह, ये हो गया दो दूनी चार, पंद्रह चौका साठ एलसीएम। अगर इस तरह से नहीं निकाल पाते हो आप एलसीएम, तो जो बचपन में पढ़े उस तरह से जल्दी से निकाल लो। पाँच पंद्रह बीस, ये पाँच एकम पाँच, पाँच या पंद्रह, पाँच चौका बीस, पाँच या पंद्रह, पंद्रह चौका साठ। नहीं तो अब पूछा है कि लस और मस का अनुपात, तो हमारा लस आया है साठ, साठ बटे, अब मस कितना आया था पाँच, साठ बटा पाँच, पाँच एकम पाँच, अब बारह पचे साठ, बारह के पहाड़ा में साठ है, तो बारह अनुपात एक इसमें कहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों।